हेलो ब्रो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग टॉप 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले ऑन द टॉपिक ऑफ एलिमिनेशन। आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरयूएनएल, डब्ल्यूबीएससीडीसीएल, डीटीएसबीजेई और आरएसएमएसएसबीजेई के लिए भी ये सेशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आपने देखा होगा रिसेंटली जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हमारे हुए थे चारों शिफ्ट के, मैंने आपको बताया था यूपीपीसीएल जेई में जो हमारे रेयर टॉपिक जो होते हैं जैसे कि यूपीपीसीएल जेई जो यूनिक यूनिक क्वेश्चन पे पूछता है, उसी तरीके से आपको बता दो आजकल के जो एग्जामिनेशन है उसमें एलिमिनेशन टॉपिक हो गया और जो रेयर और यूनिक टॉपिक्स है उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक एग्जामिनेशन है हमारे 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर हमारे बनते हैं इसमें से और एक्यूरेटली मार्क करके आते हो तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्टअप हो जाता है। और हमने इसके लिए काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस हम लोग स्टार्टिंग में जो थ्योरी डिस्कस करेंगे आपको आपके हर एक एग्जामिनेशन, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन हो या फिर जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। एक चीज़ आपको बता दो गाइस, इसके पहले भी मैंने एलिमिनेशन के ऊपर एक सेशन लिया था काफ़ी दिनों पहले, हालांकि इसको 1 साल हो चुका है। इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और आपको बता दो यही 2-3 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करके बूस्टअप दिलाते हैं आपके मार्क्स में, ठीक है। और इन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग बेसिक्स अज्यूम करके हम लोग स्किप आउट करते थे और इसी के कारण हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। तो आपको एक चीज़ बता दो, अगर आप स्पेसिफिकली यूपीपीसीएल जेई के लिए तो प्रिपेयर कर रहे तो आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। आपको मैं चीज़ बता दूँ, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनांस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कैंडेला किसका यूनिट है, लक्स को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको इन डेप्थ समझाने वाला हूँ थ्योरी के माध्यम से स्टार्टिंग में। तो आपको इस सेशन को अच्छी तरीके से देखना होगा एंड तक। कोई भी सेशन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इस 2 से 3 क्वेश्चंस को एमए तक अगर आपको समझ लोगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम लोग यूनिक जो सेशन है हम लोग प्रेजेंट करते आ रहे हैं आपके सामने, थ्योरी के साथ हम लोग एमसीक्यूज को भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस सेशन को आप जाके देखिएगा, इसके लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन के प्रोवाइड करा देता हूँ या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको जाके देख सकते हो। काफ़ी बेसिक सा हमारा सेशन था लेकिन इसमें भी हमने न्यूमेरिकल कवर किया है, ठीक है। अभी हम लोग हमारे सेशन को बढ़ते और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग सबसे पहले तो थ्योरी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ 4-5 स्लाइड्स है उसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपको आजकल जो एमसीक्यूज क्वेश्चन में एमसीक्यू जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में उसमें क्या होता है कि आपको डेफिनेशन दी जाती है और डेफिनेशन द्वारा आपको ऑप्शन में इस डेफिनेशन किससे रिलेट करते इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें फंडामेंटल्स क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेडियंट एफिशिएंसी। रेडियंट एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन टू द टोटल एनर्जी रेडिएटेड आउट ऑफ द ल्यूमिनस बॉडी। रेडिएंट एफिशिएंसी मतलब यह हो गया कि जो एनर्जी रेडिएट होते हैं जो लाइट के फॉर्म में है टू द टोटल एनर्जी रेडिएट बाय द बॉडी। टोटल एनर्जी में क्या हो सकता है, हमारा हीट एनर्जी भी रह सकता है लेकिन जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन टू द टोटल एनर्जी, तो वो हो गया हमारा रेडिएंट एफिशिएंसी का रेशियो। दैट मीन्स एनर्जी जो रेडिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट टू द टोटल एनर्जी रेडिएट बाय द बॉडी, इसका जो डेफिनेशन हो गया ये हो गया हमारा रेडिएंट एफिशिएंसी के लिए, ओके। ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन देख ली। अब हम लोग देखते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल इज एन एंगल सबस्टेंडेड एट द पॉइंट इन अ प्लेन बाय टू कन्वर्जिंग लाइन। इसका क्या है, इसको हम लोग क्या है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क बाय रेडियस, ये हो गया हमारा प्लेन एंगल, ठीक है, ये प्लेन एंगल हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल भी देख लेंगे। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियंस या फिर डिग्री में हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब देखिए आपको प्लेन एंगल से क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब जो मैं आपको ग्रीन कलर के मार्क करके रखा हूँ उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से है कि अगर आपको प्लेन एंगल किस में मेजर किया जाता है, डिग्रीज, रेडियन, कैंडेला, इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन से ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा उसको हम लोग डिग्रीज या फिर रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारा सॉलिड एंगल। अब देखिए सॉलिड एंगल का एक 3D हम लोग हॉलो जो हमारा कोनिकल एंगल है उसको हम लोग कह सकते हैं सॉलिड एंगल, एक बेसिक फंडामेंटल के तरीके से बता रहा हूं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस बाय एन एरिया द एंगल एनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम फॉर्म बाय न्यूमरस लाइन लाइंग ऑन द सर्फेस एंड मीटिंग एट द पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ओमेगा से हम लोग इसको मेजर करते हैं और उसको हम स्टेरेडियन, ओमेगा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और हम लोग मेजर किस में करते हैं, स्टेरेडियन में। देख सकते हो कि प्लेन एंगल
किसमें हम लोग मेजर करते हैं, रेडियंस और डिग्री या फिर रेडियंस में, बट हम लोग जो सॉलिड एंगल मेजर करते हैं उनको उसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैं आपको हर एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं करके, ठीक है। मेजर किस डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है, और ये हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। ये कोनिकल फॉर्म में जो एंगल हमारा सबटेंड होता है एक पॉइंट फॉर्म से, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अब इसमें क्या ध्यान में रखना होगा कि किस में मेजर करते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर के मार्कर कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन में बनता है एग्जामिनेशन में, इसलिए हम लोग सारी चीजें एक बार पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। दैट मीन्स एक हमारा सोर्स है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है सारे एंगल्स में, ठीक है। इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। अभी ये आपको ग्रीन कलर के मार्क रखेगा तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यही बनता है कि आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसमें मेजर की जाती है, तो हम लोग उसको कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज़ गिवन इन ऑल डायरेक्शन एंड इट इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, आप इतना ही ध्यान में रखिएगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है मैं आपको मार्क करते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा ल्यूमेन। आपको क्वेश्चन में बनता है कि ल्यूमिनस किसमें, ये ल्यूमेन हम लोग किसका यूनिट है, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, तो ये हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमेन क्या है हमारा, इट इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स वन कैंडल पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ऑल डायरेक्शन। देखिए ध्यान में रखिएगा, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होती है लेकिन आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। इट इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ वन कैंडल पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ऑल डायरेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। और इसको ये किसका यूनिट है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स को किस में मेजर करते हैं हम लोग, ल्यूमेन में, ठीक है, ध्यान में रखने का। ये किसका यूनिट है, ये इसका यूनिट नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन हमारा, ठीक है, ध्यान में रखने का। ल्यूमेन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैंडल पावर ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आपको ये जो है ये फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा यूपीपीसीएल के लिए, ठीक है, ये काम में आ सकता है, क्योंकि आपको इस तरीके से कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन देते हैं। ल्यूमिन मतलब क्या हो गया, कैंडल पावर ऑफ अ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड एंगल, ठीक है, एंड टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ वन कैंडल पावर इज अबाउट 4 पाई ल्यूमिन। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। आर एस एम एस एस बी के में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा कैंडल पावर। अब कैंडल पावर क्या है, द कैंडल पावर ऑफ अ सोर्स इज डिफाइंड एज अ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स लाइंस इमिटेड बाय दैट सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। दैट मींस क्या है, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स जो इमिट होते हैं एक सोर्स के द्वारा एक यूनिट सॉलिड एंगल में, उसको हम लोग कहते हैं कैंडल पावर। इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कैंडल पावर इज इक्वल टू ल्यूमेन डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये सेम है हमारे इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम लोग किस मेजर करते हैं, ल्यूमिनस पर स्टेरेडियन में, या फिर हम लोग उसको कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है, थीके? इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन। अब देखिए एलिमिनेशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। एलिमिनेशन इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड ऑफ द बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितने भी ल्यूमिनस फ्लक्स हमारे रिसीव होते हैं, दैट मीन्स ये अगर हमारा मान लो ये बल्ब है हमारा, ठीक है, इस केस में कितने हमारे ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया में रिसीव होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एल्यूमिनेशन। ये हम लोग इसको डिनोट करते हैं सिम्बॉल ए से, और हम लोग मेजर करते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एल्यूमिनेशन को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर कैंडल में, या फिर हम लोग फूट कैंडल में इसको मेजर करते हैं, ध्यान में रखना होगा इस, ठीक है। अब इसमें ये जो मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में बताया था, इसका एक्सप्रेशन ये आप ध्यान में रख सकते हो, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया फाई बाय ए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं सीपी बाय ओमेगा बाय लक्स, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लक्स या फिर मीटर कैंडल। अब ये लक्स या फिर मीटर कैंडल क्या है, इट इज डिफाइंड एज एलिमिनेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड अ सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर इज फिटेड एट द सेंटर ऑफ स्पीयर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लक्स या फिर मीटर कैंडल, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और देखिए ये एग्जाम में बन सकता है कि एक फूट कैंडल मतलब क्या, ठीक है, इट इज इक्वल टू ल्यूमेन डिवाइडेड बाय 1/3.28 रेस्ट टू पावर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कहें, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए तो 10.76 ही वैल्यू ध्यान में रखिएगा लक्स, ठीक है। 1 फुट कैंडल मतलब कितना हो जाएगा, 10.76 लक्स हो गया, या फिर हम लोग मीटर कैंडल भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है फुट कैंडल, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, 1 फुट कैंडल विल बी इक्वल टू 10.76 लक्स, ये चीज़ होगी, ओके। और 1 लक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 फुट कैंडल, जिसको हम लोग कहते हैं 1 ल्यूमेन पर फीट स्क्वायर,
It is a unit of illumination and it is defined as the illumination of the inside of a sphere of a radius 1 foot and a source of 1 candle power is fitted at the center of it. ये आपको ध्यान में रखना होगा, फुट कैंडल क्या होता है. इसको एक बार काफ़ी के स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जा रही होगी कि फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, बट आपको मैं अश्योर कर देता हूँ अगर आप इसको रिपीटेडली एक दो बार अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत जा सकती है जो फ्रेशली अभी इस इल्यूमिनेशन टॉपिक को पढ़ रहे होंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर. अब इसमें से क्वेश्चन बनता है एक न्यूमेरिकल टाइप में. ठीक है, क्वेश्चन क्या है बनता है कि हमें मीन स्फेरिकल कैंडल पावर फाइंड आउट करनी रहती है कि टोटल फ्लक्स दिए जाते और हमें सीधा सीधा पूछा था कि व्हाट इज द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर या फिर मीन हेमिस्फेरिकल भी पूछा जाता है. अब आपको सिंपली ये क्या करना रहता है कि 4π से डिवाइड करना रहता है और उसका आंसर फॉर्म में निकालना रहता है, लेकिन हमें यही पता नहीं रहता कि 4π से इसको किस तरीके से डिवाइड करें या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है. मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मतलब क्या होता है, इट इज गिवन बाय द टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इन अ प्लेन्स डिवाइडेड बाय द 4π. दिस एवरेज कैंडल पावर इज ऑल्सो नोन एज अ मीन स्फेरिकल कैंडल पावर. मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है. इसी के साथ आता है मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर मतलब क्या है. ठीक है, ये क्या हो गया, इट इज़ एवरेज टेकन इन द ओवर अ हेमिस्फीयर इंस्टेड ऑफ स्पेयर. एक स्पेयर से बदले हम लोग हेमिस्फीयर में एवरेज लेते हैं. अब इसी का इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2π से डिवाइड कर देंगे. सेम है, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर. करेक्ट, अब आपका आता है रिडक्शन फैक्टर. अब रिडक्शन फैक्टर आपको पूछे जाने के चांसेस है. रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ सोर्स लाइज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू इट्स मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर. मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू मीन हॉरिजेंटल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हॉरिजेंटल कैंडल पावर. ये हो गया हमारा रिडक्शन फैक्टर. ध्यान में रखिएगा, सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ना देते हुए आपको डायरेक्टली एज अ डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंप एफिशिएंसी. अब लैंप एफिशिएंसी क्या है, अब ये लैंप एफिशिएंसी पे होकर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है. अब आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन दे सके और इसमें से कौन सा नॉट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रोवाइड करा थे, इस तरीके से आपको यूनिट्स के माध्यम से पूछा जा सकता है. तो आपको लैंप एफिशिएंसी किस में मेजर की जाती है, तो ध्यान में रखना होगा ल्यूमेन पर वाट में. ये तो आप ध्यान में रख लीजिएगा सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम के लिए. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स टू इट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट इन अ वैट्स. दैट मीन्स टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय अगर हम लोग पावर इनपुट करते हैं तो हम लोग इसकी लैम्प की एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं. और वो डिफरेंट डिफरेंट लैम्प के लिए डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसीज रहती है और उस एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है. आगे आने वाले जो क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन फैक्टर. ठीक है, ये क्या है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स. ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर, ध्यान में रखना होगा. करेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेंस इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स. दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है इस साल, ध्यान में रख लीजिएगा. ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, मेंटेनेंस फैक्टर. ये यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, अभी मेंटेनेंस फैक्टर भी देख लेते क्या है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन. मैं अभी भी बता रहा हूँ, अब उसको लाइटली अगर ले रहे होंगे तो आपको बता रहा हूँ आपकी काफी बड़ी गलती हो जाएंगी इसमें. इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते गए, आपको सीधा सीधा ये आप भूल जाओ अभी. इससे जिससे आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि मेंटेनेंस फैक्टर इट इज अ रेशियो ऑफ, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के ट्विस्ट करके आपको पूछा जा सकता है. इट इज अ रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि इट इज़ रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर एवरीथिंग इज क्लीन टू द इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. हम लोग इसी दो ऑप्शन में ही गलती कर देते हैं, ध्यान में रख लगा. इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि मेंटेनेंस फैक्टर क्या है. इलिमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंदर कितना इलिमिनेशन रहता है डिवाइडेड बाय जब सारी चीज़ें क्लीन रहती है, एनी टाइम क्लीन रहते हैं. तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस फैक्टर. और ये हमेशा लेस देन 1 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए. और ये अराउंड 0.8 रह सकता है. ठीक है, क्योंकि हमारा डर्ट डस्ट जो है हमारे बल्ब्स के ऊपर आ जाता है करके. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन फैक्टर. अब देखिए डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस फैक्टर में क्या फ़र्क है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है. और इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनिशियल इलिमिनेशन ऑफ टू द अल्टीमेट मेंटेन इलिमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनिशियल इलिमिनेशन टू द अल्टीमेट मेंटेन इलिमिनेशन ऑन अ वर्किंग प्लेन. ठीक है, ध्यान में रखना होगा. अब देखिए इस मेंटेनेंस फैक्टर को हम लोग किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि क्लीनिंग करेंगे हमारे लैम्प की. अगर अच्छी तरीके से उसको क्लीन करोगे तो आप आपका मेंटेनेंस फैक्टर बढ़ा सकते हो. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में क्या ध्यान में रखने की चीज़ है, मोर देन 1 ओके क्वेश्चन बन सकता है.
अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर या फिर कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स लिविंग द सर्फेस टू द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन इट, इट इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्शन फैक्टर। क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, इट इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्शन फैक्टर एंड इट इज़ ऑलवेज लेस दैन वन। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना होगा, करेक्ट। अब आपको कुछ क्वांटिटीज बताई गई है, हालांकि हमने टेबल काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, और उसका यूनिट और उसका सिम्बॉल किस में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस फ्लक्स इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन या फिर ल्यूमिनेंस, ठीक है, किसमें हम लोग मेजर करते हैं, ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस, ल्यूमिनस एक्सिटांस, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये काफ़ी बार बनता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वांटिटीज उसके यूनिट ध्यान में रखने होंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के ऊपर, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। अब देखिए दो लॉज है हमारे, इनवर्स स्क्वायर लॉ और होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। आपको क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता दूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट बताया जाएगा और ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है या फिर क्या है, या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी तरीके से आपको चार चार बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये क्या है। दिस लॉ स्टेट दैट इल्यूमिनेशन ऑफ अ सर्फेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस एंड अ पॉइंट सोर्स। दैट मीन्स इल्यूमिनेशन ऑफ अ सर्फेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस एंड अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। दैट मीन्स जो इल्यूमिनेशन हो रहा है सर्फेस के ऊपर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जिस तरीके से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम, क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस एंड अ पॉइंट सोर्स। ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स। इल्यूमिनेशन किस तरीके से जा रहा है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इसमें क्या है, द इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड टू द एंड द लाइन ऑफ द फ्लक्स। ये हो गया हमारा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इसको एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी चीज़ें, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है करके, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल थियरी, ठीक है, सारी चीज़ें एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको रिपीटेडली नहीं पढ़ेगा, आप इसको ई बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें रेडिएंट एफिशिएंसी, हमारा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमेन, कैंडल पावर क्या चीज़ है, ल्यूमिनस इल्यूमिनेशन क्या होता है, लक्स या फिर कैंडल मीटर कैंडल क्या होता है, आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट MHSCP हो गया, MHSCP हो गया, आप देखिए एक एग्जामिनेशन में तो सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, आप सोच नहीं सकते, आपने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ ली, लेकिन आपको मीन हेमिस्पेरिकल कैंडल पावर, इसमें से H क्या रिप्रेजेंट करते हैं, S क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे माध्यम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया लैम्प एफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कौन सा फैक्टर हमारा लेस देन वन रहता है, कौन सा ग्रेटर देन वन रहता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर। अब आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, डिप्रिसिएशन फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन वन, ऐसे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्विकली। अभी हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कार्बन आर्क लैम्प आर कॉमनली यूज्ड इन, कार्बन आर्क लैम्प जो है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो सिनेमा प्रोजेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। कार्बन आर्क लैम्प हो गया, न्योन डिस्चार्ज लैम्प हो गया, सोडियम वेपर लैम्प हो गया और मर्क्यूरी वेपर लैम्प, कौन से उसके एप्लीकेशन है ये आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है और स्पेसिफिकली ये सिनेमा प्रोजेक्टर वाला काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है। देखिए और एक चीज़, ये जो है ना कार्बन आर्क लैम्प, यहाँ पे जो स्कीमेटिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो आर्क को मेंटेन करते हैं, ठीक है, इसके लिए जो नेसेसरी वोल्टेज रिक्वायर्ड रहता है, आपको ये जेई में नहीं पूछा जाएगा बट असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, उसका वोल्टेज कितना होता है, ठीक है, सोच के देखिएगा। V इज इक्वल्स मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 39+2.8L टाइम्स ऑफ वी, 2.8L इंटू वी, ये हो गया हमारा वोल्टेज जो रिक्वायर्ड रहता है इस आर्क को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, 39+2.8L V, ये इतना वोल्टेज हमारा पास रिक्वायर्ड रहता है इस आर्क को मेंटेन करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट, अभी हमारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि वन लाइन क्वेश्चन टाइप ही क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएगी, चिंता मत करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट मटेरियल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से कौन से फिलामेंट मटेरियल का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो हमारा ऑस्मियम, तो जो ऑस्मियम है ये हमारा फिलामेंट का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये है अबाउट 2600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसका एफिशिएंसी क्या, ऑस्मियम लैम्प का 5 ल्यूमेन पर वैट। अभी आपको पता है कि एफिशिएंसी हम लोग किस में मेजर करते हैं, ल्यूमेन पर वैट में, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। जो इनकैंडेसेंट बल्ब रहते हैं हमारा, उसमें जो फिलामेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर ये उसका जो एक टाइप है हम लोग फिलामेंट, ये ऑस्मियम का भी हमारा फिलामेंट रह सकते हैं, लेकिन हम लोग टंगस्टन का जनरली प्रेफर करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। अब देखिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यह है अराउंड 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्मियम का भी हमने देख लिया सबसे लोएस्ट है, ठीक है, टंगस्टन टैंटलम का भी है और टंगस्टन का भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो टंगस्टन हम लोग प्रेफर करते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्यूम इनसाइड इनकैंडेसेंट लैम्प इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो वैक्यूम रहता है हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प के अंदर वो रहता है हमारा 10^-4 mm ऑफ मर्क्यूरी, HG मतलब होता है मर्क्यूरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इन अ लैम्प डिपेंड्स अपॉन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहता है टंगस्टन फिलामेंट का लैम्प के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अंदर की जो वेपर रहता है वेपर प्रेशर रहता है उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट का स्कीमेटिक भी आप ध्यान में रख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल के लिए। नेक्स्ट हमारा हीट फ्रॉम द लैम्प फिलामेंट इज ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग मेनली थ्रू, एक हमारा बल्ब है इसके अंदर का जो हीट है, ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है सराउंडिंग में, सर्कुलेशन नहीं होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, आपको तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वो रेडिएशन के द्वारा हमारा जो हीट है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आप इस स्कीमेटिक में समझ सकते हो कि व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन, बेसिक से फंडामेंटल रहते हैं लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो हीट हमारी ट्रांसफर होती है फिलामेंट के द्वारा सराउंडिंग में वो रेडिएशन के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द फिलामेंट इन इनकैंडेसेंट लैम्प, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। टंगस्टन हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं जनरली, ऑस्मियम टैंटलम जो है वो हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, टंगस्टन हमारा कॉमनली यूज मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक 0 वाट का जो लैम्प है वो कितना पावर कंज्यूम करता है, आपने कुछ इस तरीके से बल्ब देखे होंगे छोटे, हम लोग 0 वाट करके कंज्यूम करते हैं, बट ये 0 वाट कंज्यूम नहीं करता है, ये हमारा 5-10 वाट कंज्यूम करता है, ठीक है। हालांकि काफ़ी निग्लिजिबल रहता है इसलिए हम लोग इसको 0 वाट बल्ब करके अज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट डिपेंड अपॉन, जो टंगस्टन का फिलामेंट रहता है हम लोग बल्ब के अंदर यूज करते हैं उसका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। साइज ऑफ द शेल, साइज ऑफ द लैम्प नहीं, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द फिलामेंट लैम्प्स ऑपरेट नॉर्मली ऑपरेट एट द पावर फैक्टर ऑफ, सिंपल है गाइस, मैंने आपको बताया था कि एक हमारा बल्ब जो है, ठीक है, एक ऐसा समझ लो कि एक हमारा एक प्योर रजिस्टर ही है, ठीक है। तो आपको पता है प्योर रजिस्टर का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी, उसी तरीके से ध्यान में रखना होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे ही ऑपरेट करता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प इज, एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होती है इनकैंडेसेंट लैम्प की, वो होती है अबाउट 1000 आवर्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने एक टेबल मेंशन करके रखा है जिसमें एवरेज रेटेड लाइफ टाइम बताया गया एक लैम्प की, इनकैंडेसेंट लैम्प की, फ्लोरेसेंट जो डिफरेंट डिफरेंट लैम्प है, और देखिए इनकैंडेसेंट, फ्लोरेसेंट, CFL, हैलोजन और LED बल्ब्स की हमारी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द, यहाँ पे एक टेबल में ये हमारे पास लैम्प गिवन है और यहाँ पे टिपिकल इसका रेंज या फिर हम लोग कह सकते हैं कितना एक आवर्स पे चलता है यहाँ पे मेंशन करके रखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ऑफ अ फिलामेंट लैम्प ड्यू टू वेरिएशन इन ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, अगर हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है तो सबसे ज्यादा पैरामीटर इसमें से कौन सा अफेक्ट होता है, तो वो होती है हमारी लाइफ, जो बल्ब की लाइफ होती है वही सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज समटाइम यूज इन अ फिलामेंट लैम्प, फिलामेंट लैम्प के अंदर इसमें से कौन सी गैस यूज की जाती है, तो आर्गन, ध्यान में रखिएगा काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम वेपर इन अ फिलामेंट लैम्प्स गिव्स, जो मैग्नीशियम वेपर रहता है फिलामेंट में वो कौन से कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ग्रीन कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC LGA में इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी कबार बनते हैं, ठीक है, थीके? इसका हम लोग टेबल भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। द गैस यूज इन अ गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प, गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, वो है नाइट्रोजन, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प के अंदर लाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो जो आयोनाइजेशन होता है गैस या फिर वेपर का उसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस की जाती है, कुछ इस तरीके से रेफरेंस में आप ध्यान में रख सकते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प, ये जो आयोनाइजेशन हो रहा है गैस या फिर वेपर का इसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प द स्टेबिलाइजेशन ऑफ आर्क डैश, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प के अंदर स्टेबिलाइज करने के लिए आर्क को क्या किया जाता है, एक चोक कनेक्ट किया जाता है सीरीज में सप्लाई के साथ में, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ऑप्शन सी ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, चोक इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द सप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैलोजन लैम्प्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ, उसके क्या क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं, यहाँ पर जो तीनों एडवांटेजेस है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ओके, एक बार पढ़ लीजिएगा, सोडियम वेपर लैम्प्स का जो आयनाइजेशन वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है, ध्यान में रखिएगा इट इज ओनली 5 वोल्ट, सोडियम वेपर लैम्प नीड्स अ आयनाइजेशन वोल्टेज ऑफ अबाउट 5 वोल्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द डिप्रिसिएशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, डिप्रिसिएशन फैक्टर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एजिंग रहती है लैम्प्स की उसके ऊपर डिप्रिसिएशन फैक्टर डिपेंड करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्निशन वोल्टेज जो है हमारे सोडियम वेपर लैम्प का वो कितना रहता है, वो रहता है हमारा, देखिए इग्निशन वोल्टेज जो है सोडियम वेपर लैम्प का वो कितना आप ध्यान में रखिएगा, वो है हमारा 400 से लेकर 600 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन काफी कई बार एग्जामिनेशन में बनता है, जब हमारा सोडियम वेपर लैम्प स्विच ऑन होता है इनिशियली तो उसका कलर क्या रहता है, पिंक कलर का रहता है, ठीक है, ये इनिशियली हमारा पिंक कलर का रहता है, देन इट टर्न्स टू द येलो कलर। ओके, ध्यान में रखिए इनिशियल और फाइनल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ अ लाइट गिवन आउट बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, जो कलर हमारा फाइनल कलर मिलता है सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का वो येलो कलर रहता है और इनिशियली उसका पिंक कलर रहता है, हमने एक बार डिस्कस कर लिया। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज विद अ सोडियम वेपर लैम्प शुड हैव, जो सोडियम वेपर लैम्प्स के अंदर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका क्या होना चाहिए, उसका हाई लीकेज रिएक्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा 200 वोल्ट का लैंप है जो 1.2 एम्पियर करंट ले रहा है और फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है 2860 लुमेंस, हमें एमएससीपी फाइंड आउट करना है और एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए एमएससीपी क्या होगा, सिंपल है, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल लुमेंस कितने हैं 2860, मैंने आपको क्या बताया था, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर फाइंड आउट करने के लिए 4π से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 227.59 ही हमारा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आ जाएगा, ठीक है। और लैंप की एफिशिएंसी क्या है, टोटल फ्लक्स आउटपुट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट, टोटल फ्लक्स आउटपुट कितना है हमारा, वह हमारा 2860 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना होगा 200 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.2 एम्पियर है, ठीक है। कॉस फाई को हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं इस केस में, ओके। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इसका, तो आएगा इसका जो वैल्यू आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 11.9 ल्यूमेन पर वैट, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको एक दो पूछे जा सकते, जो हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा द कैपेसिटर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट ऑफ अ सोडियम वेपर लैम्प इज इन ऑर्डर टू, द कैपेसिटर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट ऑफ अ सोडियम वेपर लैम्प इज ऑर्डर टू, हम लोग सर्किट का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर यूज करते हमारे सोडियम वेपर लैम्प के अंदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, मैं आपको सारी चीज़ें जो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है आपको बता दे रहा हूँ। जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है ये हमारा रहता है 400 नैनोमीटर्स से लेके 700 नैनोमीटर्स के अंदर, ये दोनों वैल्यूज ध्यान में रखिएगा, 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स इज द विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम लोग इंफ्रारेड लाइट को भी नहीं देख पाते और अल्ट्रावायलेट लाइट को भी नहीं देख पाते, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेज का जो स्पेक्ट्रम है ये, इसको शॉर्ट वेवलेंथ में क्या आता है हमारे कॉस्मिक रेज, गामा, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट, और लॉन्ग वेवलेंथ में हमारे पास में जो ब्रॉडकास्ट बैंड रहता है रेडियो, रडार या फिर माइक्रोवेव, ये हमारे लॉन्ग वेवलेंथ में आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा जो एवरेज लाइफ रहती है सोडियम वेपर लैम्प की वो कितनी रहती है, अबाउट 3000 आवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो बेसिक से क्वेश्चन है काफ़ी कबार बनते हैं एग्जामिनेशन में, वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द हीट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज पर्टिकुलरली ऑफ इंपॉर्टेंस, जो हीट हमें मिलती है लाइट सोर्स के द्वारा वो है द डिजाइनिंग फॉर एन एयर कंडीशनिंग इल्यूमिनेशन लेवल एंड डिजाइनिंग फॉर अ फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन। दैट मीन्स क्या है, जो हीट हमारे पास हमें आउटपुट मिलती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयर कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग को डिजाइन करते हुए हमारे जो लाइट सोर्सेज है उसको भी ध्यान में रख के हमारा डिजाइनिंग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए, एलिमिनेशन लेवल या फिर एयर कंडीशन के लिए। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ सोडियम वेपर लैम्प इज, देखिए सोडियम वेपर लैम्प की ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितने है, 40 से 50 ल्यूमेन पर वैट का ल्यूमिनस एफिशिएंसी रहता है सोडियम वेपर लैम्प का। सारे क्वेश्चन से हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। सोडियम वेपर लैम्प्स आर यूज्ड फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ, सोडियम वेपर लैम्प लोग किसके इल्यूमिनेशन के लिए यूज करते हैं, स्ट्रीट एंड हाईवे, रेल यार्ड्स एंड स्टोरेज यार्ड एंड पार्क्स, ये तीनों के लिए यूज करते हैं। ओके, द मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स गिव्स अ लाइट। अब अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो है सोडियम वेपर के साथ हम लोग कन्फ्यूज कर देते हैं और उसका कलर पिंक या फिर येलो मार्क करके हम लोग आ जाते हैं, बट मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो है वो ग्रीनिश ब्लू कलर का हमें लाइट प्रोड्यूस कराता है। ये हो गया हमारा टिपिकल मर्क्यूरी वेपर लैम्प, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और यही मैं आपको बताता हूँ, इसी तरीके से कन्फ्यूजन आपको 1 से 2 मार्क आपके एग्जामिनेशन में छूट जाता है, यही आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प HPS, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर जो लैम्प रहते हैं उसका कितना रहता है, हमें ल्यूमिनस इफिशियंसी पूछा गया, तो वह हमारा 30 से लेके 40 ल्यूमेंस पर वैट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नियॉन लैम्प्स। नियॉन लैम्प्स क्या रहते हैं, आर साइज ऑफ ऑर्डिनरी इनकैंडेसेंट लैम्प, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, अ पावर कंजम्पशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 वाट, सबसे कम उसका पावर कंजम्पशन भी उसका कम रहता है, आर यूज्ड इन इंडिकेटर लैम्प, नाइट लैम्प्स एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ डीसी मेन, तो ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा नियॉन ट्यूब्स आर वाइडली यूज फॉर, आपने देखा होगा नियॉन ट्यूब्स हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए काफी कबार यूज करते हैं, दीज आर द नियॉन ट्यूब्स, आपने इसको देख लिया होगा, एक रेफरेंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, एक रेफरेंस इमेज है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द डोमेस्टिक लाइट, एज वेपर डिस्चार्ज ट्यूब जो यूज करते डोमेस्टिक लाइट में उसमें कितने फिलामेंट्स रहते, 2 फिलामेंट रहते, ध्यान में रखिएगा डोमेस्टिक लाइट के अंदर जो वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज की जाती है उसमें हमारे पास 2 फिलामेंट्स रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज कोटेड फ्रॉम इनसाइड विद अ थिन लेयर ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन ऑर्डर टू, आपने देखा होगा कि हमारी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब रहती है उसको व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की भी रह सकती है, तो थिन लेयर रहती है हमारी फ्लोरेसेंट मटेरियल की, वो उसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, हमारे विजिबल इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करता है और रेडिएट करता है विजिबल रेज को। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ स्टेबलाइजिंग चोक इज कनेक्टेड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट सो एज टू, एक स्टेबलाइजिंग चोक कनेक्ट किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, उसका क्या काम होता है, टू एक्ट एज अ बलस्ट इन ऑपरेटिंग कंडीशन एंड प्रोवाइड अ वोल्टेज इंपल्स फॉर अ स्टार्टिंग, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट, एक स्टेबलाइजिंग चोक हम लोग किसके लिए यूज करते करके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इन सर्किट इन ऑर्डर टू, एक कैपेसिटर हम लोग क्यों करते हैं सर्किट में करें, क्योंकि हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं ट्यूब सर्किट का, ठीक है, ध्यान में रखिए ना, वही कैपेसिटर से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल लाइफ जो है हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब की वो कितनी रहती है, वो अबाउट 2000 आवर रहती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की नॉर्मल लाइफ कितना है, 2000 आवर्स, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड वेटेज ऑफ 1 मीटर फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वेटेज कितना रहता है 1 मीटर फ्लोरोसेंट ट्यूब का, वो रहता है 25 वाट्स का, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ऑपरेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑन अ डीसी सप्लाई द एडिशनल डिवाइस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट इन द ट्यूब सर्किट इट इज अ रजिस्टर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का डीसी सप्लाई पे ऑपरेशन के लिए हम लोग एडिशनल रजिस्टर उसके अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। द लाइट ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब अपीयर्स कूलर देन द दैट फ्रॉम द इनकैंडेसेंट लैम्प, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, आपने देखा होगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो लाइट है वो कूल दिखती है हमें, हमारे पास वो ठंडा रहता है इन केस ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, आपने देखा होगा नॉर्मल जो इनकैंडेसेंट लैम्प हमारा रहता है वो हमारा हीट उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएट करता है, थोड़ा हीट ज़्यादा होता है, तो इसका क्या कारण रह सकता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन जो है हम लोग उसके ट्यूब के अंदर यूज नहीं करते, इसलिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो अपीयरेंस रहता है हमारा थोड़ा कूल रहता है एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट लैम्प, क्योंकि इनकैंडेसेंट लैम्प भी हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लिकर इफेक्ट ऑफ अ फ्लोरोसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड आउट, ये काफ़ी क्वेश्चन कॉमन है और इंपॉर्टेंट भी है, एक फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है तो हमारे लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो डोमिनेंट रहता है, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो फ्लिकरिंग होता है हमारे बल्ब्स का, ठीक है, चालू बंद विद इन अ सेकंड्स के अंदर, तो वो लो फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियो इंटरफेरेंस फ्रॉम अ फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी रिड्यूस बाय, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के द्वारा रेडियो इंटरफेरेंस होता है वो किसके द्वारा हम वो कम कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल कैपेसिटर अक्रॉस द स्टार्टर टर्मिनल, हमने जिस तरीके से सर्किट डायग्राम देखा था एक छोटा सा कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करते हैं स्टार्टर टर्मिनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रूम विद एरिया ऑफ 6x9 मीटर इज इलस्ट्रेटेड बाय अ 1080 वाट लैम्प्स, द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ लैम्प इज 80 लुमेन पर वाट एंड कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन इज 0.65, तो हमें एवरेज इल्यूमिनेशन फाइंड आउट करना है। देखिए न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इल्यूमिनेशन टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन काफी कबार बनता है। रूम का एरिया कितना है 6x9 मीटर का, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, एरिया अगर हम लोग निकालते तो लेंथ इनटू ब्रेथ करते उसका, तो यह हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। टोटल वैटेज कितना हो जाएगा, हमारे पास में 10 बल्ब है, कितने वाट के, 80 वाट के, कितना हो जाएगा 800 वाट, टोटल ये वैटेज हो गया। अगर हमारा टोटल फ्लक्स कितने एलिमिनेट हो रहे हैं 10 लैम्प के द्वारा, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 800। अब ये हमने किस तरीके से निकाला, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी पता है कि 80 लुमेन पर वाट है, तो हम लोग निकाल लिया टोटल ल्यूमेन, ठीक है, जो कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 800, विच इज़ 64,000 ल्यूमेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब देखिए एक जो फ्लक्स रीच हो रहा है हमारे वर्किंग प्लेन में,
कि अब उसको यूटिलाइजेशन फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास वर्किंग प्लेन में कितने जो फ्लक्स है वो रीच हो रहे हैं। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.65 से, तब जाके इसका वैल्यू आता है 41,600। ये इतने हैं जो ये सरफेस पे रीच हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एलिमिनेशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ई इज इक्वल टू 5/a, कितने रीच कितने हो रहे, 41,600, ठीक है, डिवाइड बाय हम लोग किससे करेंगे, एरिया 54 से, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 770 लक्स, ठीक है, डेसिमल में आता है, ध्यान में रखिएगा इसका कितना एवरेज एलिमिनेशन आएगा, ये आएगा 770 लक्स। ऑप्शन ऑप्शन तो बताया, हालांकि आप एक बताया नहीं, ध्यान में रखिएगा 770 लक्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन अ मर्क्यूरी वेपर लैम्प, और आप चिंता मत करिएगा, मैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म माध्यम से मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इन अ मर्क्यूरी वेपर लैम्प लाइट रेड ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लैक, एक मर्क्यूरी वेपर लैम्प लाइट के अंदर जो हमारे लाल कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लैक हमें दिखाई देते, ये किसके कारण होते हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये होता है, ये जो है द एब्सेंस ऑफ अ रेड लाइट फ्रॉम द लैम्प रेडिएशन, जो रेड लाइट का एब्सेंस रहता है लैम्प रेडिएशन के द्वारा, इसी के कारण हमारे पास ये ब्लैक कलर में दिखाई देते मर्क्यूरी वेपर लैम्प के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिंग ऑफ एन फ्लोरोसेंट ट्यूब मे बी एन अकाउंट ऑफ, जो ब्लिंकिंग होता है हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब उसका क्या क्या कारण रह सकता है, हो सकता है हमारा लो सर्किट वोल्टेज है, लूज कॉन्टैक्ट है, या फिर स्टार्टर हमारा डिफेक्ट है, कोई भी कारण रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोरोसेंट इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब द ब्लास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ चोक, देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर ब्लास्ट रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज विद अ चोक, क्यों, व्हेन द ट्यूब इज ऑपरेटेड ऑन अ डीसी सप्लाई, हमने क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदल गया, ठीक है, डीसी सप्लाई पे जब हम लोग ऑपरेट करते हैं रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में विद चोक, ओके। नेक्स्ट है ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितना है फ्लोरोसेंट ट्यूब का, अब देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब का इनकैंडेसेंट का मर्क्यूरी वेपर का सारे हमने डिस्कस कर लिए, वो होते हैं हमारा 40 लुमेन पर वाट, ओके। नेक्स्ट है हमारा द डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इज मोस्ट इफिशियंट बट इट इज़ लायबल टू कॉज, जो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट है, ठीक है, हमें डायरेक्टली उसका लाइट मिलता है, ल्यूमिनेंस मिलता है, बट इसके कारण हमें ग्लेयर का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्लड लाइटिंग इज नॉट यूज फॉर, फ्लड लाइटिंग है हम लोग किसके लिए यूज़ नहीं करते, हम लोग रीडिंग पर्पज के लिए इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटिंग स्कीम डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन, जो फ्लक्स रिक्वायर्ड रहते हैं हर एक लाइटिंग स्कीम में, कोई भी लाइटिंग स्कीम में, वो डिपेंड करते हैं इनवर्सली टू द कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा बताता है कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। नेक्स्ट है डिजायर्ड एलिमिनेशन लेवल ऑन द वर्किंग प्लेन डिपेंड्स अपॉन, जो एलिमिनेशन लेवल हमें मिलता है वर्किंग प्लेन पे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑप्शन ए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो साइज है ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस कितना है एक ऑब्जर्वर से, ठीक है, वो डिपेंड करता है एलिमिनेशन लेवल वर्किंग प्लेन के ऊपर, करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसमें सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन लेवल की क्या पे जरूरत रहेगी प्रूफ रीडिंग में, ठीक है। अब देखिए ये टेबल आप ध्यान में रखिएगा, इसी के साथ हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर टेबल भी डिस्कस करेंगे, प्रूफ रीडिंग में सबसे ज़्यादा हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल की रिक्वायर्ड रहते इन सब में ऑप्शन में, ठीक है, बट हालांकि आप यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं जैसे अकाउंट या फिर राइटिंग डेस्क में कितने एलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड रहती है, होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टेबल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड अ लोएस्ट लेवल ऑफ इलिमिनेशन, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ इलिमिनेशन में कहा रिक्वायर्ड रहता है, वो रहता है रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलिमिनेशन लेवल इन द हाउस इज इन द रेंज ऑफ, हाउस के अंदर एलिमिनेशन लेवल कितना रहता है, हमें पूछा गया 20 से लेकर 50 लक्स के बीच में हम लोग एलिमिनेशन लेवल एक स्टैंडर्डाइज किया गया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक राउट्स कैरिंग द फास्ट ट्रैफिक इज अबाउट, इट इज़ अबाउट 100 लक्स, ठीक है, सारे वेरिएशंस मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस का, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द ल्यूमिनस फ्लक्स रीचिंग द वर्किंग प्लेन लिस्ट डिपेंड्स अपॉन, जो ल्यूमिनस फ्लक्स रीच कर रहे वर्किंग प्लेन के ऊपर वो सबसे कम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो वह हमारा रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ इंटरनल सर्फेस, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लास दैट ट्रांसमिट द मैक्सिमम लाइट इज, सबसे ज्यादा ट्रांसमिट लाइट को ट्रांसमिट करने वाला ग्लास कौन सा है, वो हमारा क्लियर ग्लास, सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द डिमिंग सिस्टम फॉर द लाइट्स आर यूज्ड इन, जो लाइट्स के अंदर डिमिंग सिस्टम रहता है वो हमारे थिएटर्स के अंदर रहता है, आपने देखा होगा कि जब भी मूवी शुरू होता है तो हमारे पास जो लाइट्स रहता है वो उसका डिमिंग हो जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डिमिंग सिस्टम उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज
द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ कैंडल पावर ऑफ अ डिफरेंट सोर्स इज कॉल्ड एज, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम लोग यूज करते हैं कंपेरिजन ऑफ कैंडल पावर ऑफ अ डिफरेंट सोर्स इज कॉल्ड एज अ कैंडल मीटर. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द फोटोमीटर, एक ऐसा फोटोमीटर जो यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए दो सोर्सेज को लाइट के डिफरेंट कलर्स के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं बनसेन फोटोमीटर. ठीक है, ऑप्शन ब्यूसेन फोटोमीटर हम लोग उसको कहते हैं. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द फोटोमीटर दैट यूटिलाइज द लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ ऑफ इट्स ऑपरेशन इज, एक ऐसा फोटोमीटर जो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ यूज करता है, यूटिलाइज उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, उसके ऑपरेशन के ऊपर, वो कौन सा है? ट्रॉटर इलिमिनेशन फोटोमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएल के लिए पर्टिकुलरली. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प इज, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प इज इंटीग्रेटिंग स्पीयर. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये थे कुछ 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको बता दो इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के अंदर किस तरीके से हमारे पास में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आप इस चार्ट के अंदर अच्छे तरीके से समझ सकते हो. आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा. आपको हमारे चैनल कोचीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है. टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, सो दैट हम लोग वहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ कर सके. कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो. प्रीवियस सेशन जाके देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.